आज जिला छिंदवाड़ा सौसर विधानसभा के ग्राम कच्ची ढाना स्थित कृष्ण पिंक खदान में एक मजदूर की मृत्यु हुई है तथा दो मजदूरों की हालत अत्यंत गंभीर है। मौके पर क्षेत्र के विधायक विजय चौरे जी सिविल अस्पताल सौसर पहुंचे तथा पुलिस कर्मियों एवं डॉक्टर से मिलकर घायल मजदूरों की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर परिवारिक जनों से मिलकर उन्हें न्याय दिलाने का संकल्प भी लिया। कृष्ण पिंक प्रबंधन द्वारा खदान क्षेत्र में बरती सुरक्षा उपायों की नजरअंदाजी करने को लेकर घटना की अत्यंत निंदा की एवं मृतक के पीड़ित परिवार एवं घायल मजदूरों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किए जाने की मांग की तथा खदान में मजदूरों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विशेष उपाय तुरंत प्रदान करने हेतु खदान प्रबंधक को निर्देश दिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना घटित न हो। बता दें कि इसके पहले भी ऐसी बहुत सी छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं, किंतु शासन प्रशासन आंख बंद करके इस कृष्ण पिंक खदान को चलाने के लिए परमिशन दे रही है। ग्रामीणों द्वारा इस खदान में काम कर रहे मजदूरों की सुरक्षा और गांव की सुरक्षा को लेकर बहुत बार शासन प्रशासन को सूचना दी गई है, किंतु शासन प्रशासन द्वारा कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया। सौसर थाना प्रभारी जितेंद्र बघेल द्वारा बताया गया कि कृष्ण पिंक खदान में जो दुखद घटना हुई है उसकी उचित जांच की जाएगी। खबर 24 एक्सप्रेस के लिए संवाददाता धीरज सिंह चंदेल की रिपोर्ट। और ये गाड़ी भेजी है आपने बोलेरो, इसको कम से कम 10,000 रुपए दो, इनके परिवार के लोग हैं। कब देंगे इनके परिजनों को दो 10,000, इनको और 10,000 वो जो दूसरा है कहाँ का, गाजंडो का, इनके परिजनों को अभी खर्चे के लिए 8-15 दिन, ठीक है, उसका इलाज अच्छे से कराओ। और दूसरा जिसकी डेथ हुई उसको 50 लाख का मुआवजा चाहिए, नहीं तो उसकी डेथ बॉडी मैं आपके कच्ची ढाना के गेट पे कर ले जाऊंगा। आप अपने खंडेलवाल को बताओ, और ये सब घटनाएं हो रही है और लोग मर रहे हैं, आपके यहाँ फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। आज नया दिन था ना, आज पहला दिन था उसका, और इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, उसको बताओ आप खंडेलवाल को, वो 50 लाख रुपए देगा मुआवजा, उसके बाद में उसकी डेथ बॉडी वहां से उठाऊंगा। उनके परिजन आ रहे दमुआ से, इनका पूरा इलाज कराओ, इनके जेब में 10-10 हजार डालो, मैं इनको गाड़ी में नहीं बैठने दे रहा हूँ। अभी आप 10,000 भेजो, किसी के हाथ से भेज रहे हैं बताइए। मैं यही बैठा हूँ, मैं रात भर बैठूंगा मैं यहाँ से, मतलब आप व्यवस्था करेंगे। अच्छा, आप लोग क्या कर रहे थे वहाँ? मैंगनीज उठा रहे थे, मतलब काम पे काम कर रहे थे ना, तो खदान के अंदर काम कर रहे थे, अंडरग्राउंड काम कर रहे थे। तो सुरक्षा के कोई साधन नहीं थे क्या आप लोगों के पास? कुछ पहने नहीं थे क्या आपने? हेलमेट था, ये जूते थे, हेलमेट और जूता भर पहना था, और बाकी बाकी कुछ। तो उनका क्या कहना था, अब कितने क्या हुआ उसमें, कितने लोग घायल हुए? तीन लोग। और कोई मरा भी गया उसमें? अच्छा, एक एक्सपायर हो गया। आप मजदूर हो क्या वहाँ पे? आज आपका पहला ही दिन है, ठीक है। क्या नाम है आपका? विनोद। सर, खदान कहाँ के रहने वाले? जो ही बड़ा हादसा होने की खबर मिली है, तो क्या है पूरा मामला? ग्राम कच्ची ढाणा में कृष्णा पिंग नाम से एक मैग्नीज की खदान है। यहाँ पे कुछ मजदूर 30-40 मजदूर करीब काम कर रहे थे, और ये जो खदान 40 मीटर करीब गहराई से काम कर रहे थे वहाँ पे, तो मटेरियल निकालने के लिए ये ड्रिलिंग का काम कर रहे थे। तो ड्रिलिंग का काम करते समय मटेरियल वहाँ गिरने से दो मजदूर घायल हो गए और एक की डेथ हो गई है। तो जो घायल हैं उनको इलाज के लिए नागपुर रेफर कर दिया गया है, और जो मृतक है उसके पंचनामा कार्रवाई करके विशेष आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, कई बार इस खदान को लेकर जो है कई बार ग्रामीणों ने भी जो है ये खदान में लापरवाही को लेकर कई बार शिकायतें की है, किंतु शासन प्रशासन ने सर कोई ध्यान नहीं दिया। इस मामले की पूरी बारीकी से जाँच की जाएगी। घटनास्थल पर क्या सुरक्षा के मापदंड अपनाए गए थे कि नहीं अपनाए गए थे, इसके विषय में पूरी जाँच की जाएगी बारीकी से। यदि इसमें किसी की लापरवाही पाई जाती है, संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ठीक है।